हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचा चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप एलोवेरा को किस तरीके से लगाएं ताकि आपको बहुत ही जल्दी बहुत सारे सैकड़ों पौधे मिल सकें और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं बहुत ही मोटी हो जाएँ। तो ये देखिए, हमारे दूसरे छत पर एक पौधा लगा रखा था हमने और ये खाली क्रेट में लगा हुआ था, जो टूटी फूटी क्रेट एक मिल गई थी उसमें हमने लगा दिया था। और ये देखिए, इसमें जो मिट्टी है वो बहुत ही कम है, यानी जो आधी क्रेट होती है ऊंचाई में, आधी क्रेट हमने मिट्टी भरी थी। और इन पौधों के बीच में एक जो है सदाबहार का पौधा था वो उगाया था और काफ़ी बड़ा हो गया था, तो उसको हमने अभी काट कर हटा दिया है क्योंकि उसमें फूल नहीं आ रहे थे। और ये एलोवेरा का पौधा जो था उसके बीचों बीच में कई जगह से वो निकल रहा था, तो इसलिए हमने उसको हटा दिया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये थोड़ी सी जो छत होती है, छत पर ही हमने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है, उसके नीचे पॉलीथीन डाली, सबसे पहले पॉलीथीन के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाली है। और वहाँ पर धनिया जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से बहुत ही बड़ी बड़ी धनिया यहाँ खड़ी थी, हमने वीडियो नहीं बना पाया। और अभी देखिए, अभी बहुत सारी खड़ी हुई धनिया, ये देखिए हरी धनिया खड़ी है। तो आप भी चाहें तो अपने छत पर जो स्लैब है उसके ऊपर से थोड़ी सी पॉलीथीन जो है वो थोड़ी मोटी आती है, जो सीट आती है वो आप डालकर उसके ऊपर उगा सकते हैं। और धनिया, पालक, इस तरीके की जिनकी जड़ें जो हैं कम गहरे तक जाती हैं, वो फसलें आप उगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो एलोवेरा का पौधा है ये लगभग एक साल का हो चुका है। इसमें एक पौधा लगाया गया था और एक पौधे के बाद आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसमें पौधे हो गए हैं। और यहाँ पर ये देखिए, इसकी स्पाइक निकल आई है जो काफ़ी कम देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी ये डंडी निकली है और इसमें एलोवेरा का फ्लावर आ गया है। जो दूसरी वाली डंडी हम आपको दिखाते हैं वो तो हमसे भी बड़ी हो गई है लंबाई में, ये देखिए, ये इधर एक निकली हुई है, ये देखिए, ये तो हमसे भी ऊंचाई में ज़्यादा हो चुकी है, लगभग 6.5 फीट के आसपास की हाइट इसकी हो गई है। ये देखिए, ये ऊपर तक देखिए कहाँ तक गई है, ये देखिए, हम अगर ऊपर हाथ करते हैं अपना तो बराबर पहुंच जाती है हाथ के बराबर, ऊपर हाथ सीधा करने पर। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। और अब आपको हम बताते हैं कि इसमें मिट्टी हमने कैसी भरी है। फिलहाल वो मिट्टी तो उसको नहीं बोलेंगे, जहाँ पर गाँव में, गाँव के किनारे घूरा लगा होता है जहाँ गोबर डाला जाता है, जानवरों का सड़ने के लिए गोबर डाल दिया जाता है, उस गोबर के किनारे किनारे थोड़ी मिट्टी भी होती है और थोड़ी जो है खाद सड़ चुकी होती है, उसको मिक्स करके हमने इसमें भरा था। और आधी भरी थी मात्र, जो कैरेट है वो आधी आधी भरी थी, ताकि इसमें जो पौधा लगाएं, इतने सारे पौधे निकलते हैं तो उनको एक सपोर्ट मिल जाता है साथ में, जो किनारे ही होती है, क्योंकि पत्तियाँ इसकी बहुत भारी होती हैं तो ये गिरते नहीं हैं पौधे। और एक के ऊपर एक पौधा देखिए इस तरीके से निकलते रहते हैं, बहुत सारे पौधे निकल आए हैं। अगर आप इनमें पौधे कम कर देंगे तो इनकी पत्तियां और भी मोटी हो जाएंगी। तो जल्दी ही हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इनकी पत्तियों को बहुत ही मोटा कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, मतलब भर के तो वैसे ही बहुत सारी पत्तियां जो है इसमें निकली हुई हैं। गर्मियों में इसके पौधे को धूप से बचाए रखें और पौधे की जो मिट्टी होती है उसमें आप नमी बनाए रखें तो बहुत ही बेहतरीन पौधा चलता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।